हम लोग प्रारंभ करेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी देखो, हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपका मीडियम हिंदी है, इसलिए हिंदी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने माध्यम ही हिंदी चुना है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि आपकी हिंदी में थोड़ा सा भी किसी प्रकार की भी कमी हो। ठीक है, कमी बेशी कई प्रकार की होती है, क्योंकि आमतौर पे ये आपकी मातृभाषा रही है, बचपन से ही आपने इसको सीखा है, तो कई प्रकार की आपके इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने कभी ग्रामर लेवल पे काम नहीं किया इतना अच्छा, और ना स्कूलों में करवाया जाता है। तो प्रयास ये है कि हम यहाँ पे कई चीज़ें सीखेंगे। मैं आपके सिलेबस को तो कंप्लीट कराऊंगा ही, और साथ साथ मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपका शब्दकोश भी अच्छा हो, जिससे आप अच्छा बोलें भी, अच्छा लिखें भी, है ना। तो कई विषयों को यहाँ पर हम साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक, तो सामान्य हिंदी की विषय वस्तु सबसे पहले कि इसका रोल कहाँ कहाँ पे है, महत्वपूर्ण कहाँ कहाँ पे है। दो सिलेबस को हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। एक आपका यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस है, ये पूरा हम टारगेट कर रहे हैं। दूसरा जो है आपके स्टेट पीसीएस जितने भी हैं, इनको हम टारगेट कर रहे हैं। कोई भी स्टेट पीसीएस, सभी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस में हिंदी का पेपर अनिवार्य रूप से आता है। यहाँ पर प्री और मेंस दोनों स्तरों पर आपको हिंदी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे वनडे एग्जाम भी हैं, जो आप दोगे तो वहाँ पर हिंदी अनिवार्य होती है। हिंदी भाषी स्टेट जितने भी हैं, सबके वनडे एग्जाम पे, जुडिशरी एग्जाम पे हिंदी ज़रूर आती है। एक पेपर हिंदी का होता है, सामान्य पेपर का, तो ये भी प्री और मेंस दोनों लेवल पर हिंदी पूछी जाती है। ठीक, अब कहाँ पे किसका क्या स्तर है, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम की यदि बात करूँ तो पीटी में सी सैट का पेपर है आपका। सी सैट में गद्यांश आता है, कम्प्रिहेंसन का टॉपिक आता है। वैसे वो सी सैट में सेपरेटली कराया जाएगा आपका कम्प्रिहेंसन, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको टच करूँगा, क्योंकि यूपीएससी का मेरे पास पेपर है और इस पेपर में गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अभी इसको हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो एक आपका सी सैट में इसका एक रोल है, यहाँ पर भी सी सैट में इसका रोल है। स्टेट पीसीएस में जितना भी सी सैट का पेपर है, वहाँ पर हिंदी का एक बड़ा रोल है। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरा, मेंस पेपर पे यूपीएससी की बात करूँ तो एक पूरा कंपलसरी पेपर ही होता है। कंपलसरी का मतलब है अनिवार्य प्रश्न पत्र, मतलब इस प्रश्न पत्र को आपको पास करना ही पड़ेगा। यदि आप इसे पास नहीं करेंगे तो आपकी जीएस की कॉपियाँ नहीं चेक की जाएंगी, यानी एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके नंबर नहीं जुड़ते, मार्क्स नहीं जुड़ते, इसको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग। ठीक है, यहाँ पे जो मेंस है इसमें हिंदी का प्रॉपर मार्क्स भी जुड़ते हैं। हर आयोग का अलग अलग है, यूपीपीसीएस का अलग है, बीपीएससी का अलग है, या फिर जितने भी अदर एग्ज़ाम है आपके आरएएस में भी सब में पूछा जाता है, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस सब में मेंस में है। एमपी ने शायद दो पेपर कर दिए हैं हिंदी के, दो पेपर आपके हिंदी के ही आएंगे। ठीक है, शायद पत्र लेखन का एक कर दिया उन्होंने, निबंध पत्र लेखन, और एक आपका उन्होंने कर दिया ग्रामर वाले सेक्शन का। तो सिलेबस छोटा नहीं है, बड़ा सिलेबस है हिंदी का, लेकिन अब इसमें करेंगे कैसे, क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, क्या होना है, तो उस चीज़ को हम समझ लेंगे। ठीक है, और एक बार मैं चाहता हूँ कि पिछले साल के क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा नज़र डाला जाए, तो आज पूरे सेशन में हम यही करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, स्तर क्या है, हिंदी का रोल क्या है, और फिर हम कैसे इसको पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें लेकर के चलेंगे। ठीक, आपको मेरे साथ कितना काम करना पड़ेगा, दोनों मिलके करेंगे तो हिंदी आपकी, आने वाला जितना भी समय आप व्यतीत करेंगे मेरे साथ हिंदी में, आपकी हिंदी इम्प्रूवमेंट होनी ही होनी है। ठीक, बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को टफ नहीं करेंगे, बहुत आसानी से बारीकी से लेकर के चलेंगे। इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस वगैरह में तो प्रॉपर 300 नंबर तक का भी इसका वेटेज है। ठीक है, निबंध, अब देखो इसमें निबंध भी जुड़ जाता है, निबंध भी आता है, आपको पता हो शायद, ये जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग टाइप का ये है, इसमें भी निबंध आता है। निबंध तो अपने आप में एक सेपरेट पेपर ही है, मैं यहाँ पे निबंध तो नहीं पढ़ाऊँगा, निबंध के लिए आपकी क्लासेस होती हैं अलग से, वो सेपरेट क्लास है। यहाँ पे निबंध भी आता है, अब क्या क्या आता है पहले इस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें सामान्य हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जो प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं, यूपीएससी के प्रश्न पत्र में या फिर अदर जितने भी हैं। स्टेट पीसीएस में तो निबंध का पेपर उन्होंने अलग रखा है, यूपीएससी ने भी अलग रखा है, लेकिन यूपीएससी अपने कंपलसरी पेपर में भी निबंध पूछता है।
ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, कंपलसरी पेपर मेरे पास है, इस बार का ये तो 100 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है, 600 शब्दों में लिखना होता है और एक ही विषय में लिखना होता है, तो एक निबंध कंपलसरी में यूपीएससी पूछता है, बाकी स्टेट पीसीएस अपना निबंध का सेपरेट पेपर रखते हैं, यूपीएससी भी अपना सेपरेट पेपर रखता है, तो निबंध तो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अलग क्लासेज होनी चाहिए इसके लिए। दूसरी विषय वस्तु जो आपकी आती है वो आती है गद्यांश कंप्रिहेंशन। इसमें क्या होता है कि एक आपको पूरा पैराग्राफ दिया होगा, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ होगा, किसी एक विषय वस्तु पर आधारित होगा, है ना, और आपको उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दो चीज़ें होती हैं, सीसैट के पेपर में गद्यांश पूछा जाता है, कंप्रिहेंशन आता है, कंपलसरी पेपर में भी आयोग ने रख रखा है, तो गद्यांश से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत आसान होता है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अब इतना आसान भी नहीं है। आप यूपीएससी का सीसैट उठाएंगे, पीसीएस के सीसैट का पेपर में गद्यांश आसान होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्तर बढ़ रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करना है ये मैं कुछ पढ़ाऊंगा, बाकी आपका सीसैट के पेपर में ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ये कुछ मैं आपको लेकर के चलूंगा, ज़्यादा मैं फिर इतना टाइम नहीं है क्योंकि बाकी के सेक्शन हमारे कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसमें आपका एक पैराग्राफ होता है, उसे आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको उसका ठीक 4-5 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर देंगे। यूपीएससी तो अब एक गद्यांश का एक ही क्वेश्चन पूछता है या दो पूछता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बिस्तर बदल रहा है इसका भी, तो एक आपका ये आता है सेक्शन। इसके बाद तीसरी विषय वस्तु है संक्षेपण, प्रेसी राइटिंग, संक्षेपण। एक बड़ा पैराग्राफ दिया होगा, उसमें मान लीजिए 300 शब्द हैं, 300 शब्दों में पूरा पैराग्राफ है, तो आप उसको 1/3 करके लिखेंगे, तो संक्षेपण कैसे कहते हैं, बड़ी विषय वस्तु को कम करके कैसे लिखते हैं, और ऐसा लिखना है हमें कि उसका मूल भाव नष्ट ना हो, तो एक ये विषय वस्तु है। हाँ, ये मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा संक्षेपण, क्योंकि ना सीसैट में पढ़ी, निबंध की तो आपकी सेपरेट क्लास है, सीसैट में गद्यांश की क्लास होगी, लेकिन संक्षेपण मुझे ही पढ़ाना है, तो संक्षेपण करवाना, एक बड़ी विषय वस्तु को संक्षेप में लिखना, ठीक, एक तो आपका विषय वस्तु ये हो गया संक्षेपण। इसके बाद ये आपका बहुत काम आएगा, जैसे अब हमें होता है ना कि भाई 150 शब्दों में लिखना है, हमें 200 शब्दों में लिखना है, कंटेंट ज़्यादा है लेकिन कम करके लिखना है, तो यदि संक्षेपण आप समझ जाएं, तो आप बड़े कंटेंट को कम करके लिखना सीख जाएंगे, आमतौर पे यही है, और इसका वक्ता शैली में भी प्रयोग होता है, बहुत लंबी चौड़ी बात को कम शब्दों में बोल देना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा आपको इन दोनों पे काम करना पड़ेगा, तो संक्षेपण को भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से करें, तो एक पूरा आपका 4-5 दिन की क्लासेस में ये हो जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखेंगे और उस आधार पे 2-3 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा, बाकी आप करते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सिलेबस में जो सेक्शन है वो है पत्र लेखन का, बहुत पुराना काम था ये, आप लोग बहुत पहले पत्र लेखन किया करते थे, अब तो व्हाट्सअप आ गया, मैसेज करना हो गया, है ना। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक, तो अनौपचारिक पत्र तो आप लिखते थे, अनौपचारिक पत्र को आसान भाषा में कहूँ तो ऐसे पत्र जिनमें निजीपन महसूस हो, यानी कि जो परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, इनको लिखे जाते थे, पहले हम लिखते थे ना, परिवार के सदस्यों, कोई रिलेटिव्स होता था, 1 जनवरी को ग्रीटिंग लिखा करते थे आप, है ना, तो वो अनौपचारिक पत्र जो है ये आपके, ये नहीं पढ़ना आपको, क्यों, व्यक्तिगत पत्र नहीं पढ़ना, ये व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं, व्यक्तिगत प्रगति के होते हैं, ये हमें नहीं पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आवेदन हम करते हैं, आवेदन भी आपके अनौपचारिक पत्र ही होते हैं, आप स्कूलों में पढ़ते थे तो आप एक आवेदन करते थे प्रधानाचार्य को कि मुझे छुट्टी है, मेरी फीस में कंसेशन है, वो अभी एक आवेदन का रूप है। बहुत सारे व्यावसायिक पत्र होते हैं, तो अनौपचारिक पत्र के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग देख लेंगे, वो अलग मुद्दा है, जब मैं पत्र लेखन पढ़ाऊंगा तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। औपचारिक पत्र ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, तो औपचारिक पत्र में आपका आता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं औपचारिक पत्र में भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि औपचारिक पत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी पत्र लेखन होता है, औपचारिक पत्र में एक होता है आपका सरकारी पत्र लेखन, सरकारी क्योंकि आप सरकार के अभिन्न हिस्सा बनने वाले हैं, सरकारी पत्र लेखन, इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है शासकीय पत्र, शासकीय पत्र लेखन, समझ रहे हैं, तो ये आपको पढ़ना है सरकारी पत्र।
अब इसके कई प्रकार हैं, बहुत सारे शासकीय पत्रों के बहुत प्रकार हैं। एक तो होता है सरकारी पत्र, हम चर्चा करें सबसे ज़्यादा प्रयोग यही किया जाता है। केंद्र सरकार का राज्य सरकार से वार्तालाप सरकारी पत्र, केंद्र सरकार का जो बहुत सारे फॉरेन के भी विदेशी राज्य हैं उनसे संपर्क करना वो भी सरकारी राज्य, सार्वजनिक उपक्रमों से पत्र लेखन सरकारी पत्र है ना, बहुत सारे जन संगठन हैं उनसे औपचारिक वार्तालाप, तो ये सब सरकारी पत्र है जो सरकार के द्वारा अपने सरकारी विभागों से बात की जाती है या अन्य उससे, ठीक है। दूसरा होता है एक ही डिपार्टमेंट, मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में काम करें, मान लो आप होम मिनिस्ट्री में काम करें, गृह मंत्रालय में, तो अपने आप में एक विभाग है, उसका एक विभाग होगा मंत्रालय, मंत्रालय में बहुत सारे विभाग होते हैं, आप किसी विभाग का हिस्सा बनेंगे तो उस विभाग के अंदर वार्तालाप होता है, उसे बोलते हैं कार्यालयी आदेश, कार्यालयी आदेश, कार्यालय में है ना आप, तो कार्यालयी आदेश, तो एक विभाग अपना जो है कार्यालयी आदेश के माध्यम से कार्यालय में क्या चल रहा है, कल छुट्टी है, किसी को किसी की प्रोन्नति हुई है, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, कोई नया सदस्य आया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करना कार्यालयी आदेश। दूसरा प्रकार ये होता है, कई बार क्या होता है दो समकक्ष अधिकारी होते हैं या एक बड़ा अधिकारी दूसरा अधीनस्थ अधिकारी, उन दोनों के बीच भी वार्तालाप होता है, तो एक और पत्र लेखन का तरीका जिसे बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, दो अधिकारियों के मध्य जो है वार्तालाप अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से, मान लो कोई गोपनीय विषय है और हम चाहते हैं कि हमारे आपस में ही इसको, तो हम अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से उसको कम्युनिकेट करेंगे, समझ रहे हैं। तो एक आपको पढ़ना है अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालयी आदेश, अर्ध सरकारी पत्र, एक और होता है कई बार जो है कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो सूचनाएं हमें सभी विभागों में भेजनी होती है एक साथ, आपको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर है ना, सर्कुलर जारी हुआ है, तो ऊपर से जब बड़े मंत्रालय के द्वारा किसी विभाग के द्वारा आदेश काफ़ी, जैसे मान लो यूजीसी है, यूजीसी से बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जुड़ी हुई हैं और उसने किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप को लेकर के, छुट्टियों को लेकर के, रिसर्च पीएचडी कर रहे छात्रों को लेकर के, या पाठ्यक्रम के बदलाव को लेकर के, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के किसी प्रकार का सर्कुलर जारी किया सभी महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों को लेकर के, तो क्या होगा उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया था परिपत्र, ये भी हमें पढ़ना है, सरकारी पत्र, कार्यालयी आदेश, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र। अभी और है, आप लोगों को, आप जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते हैं ना नोटिफिकेशन आता है, इसको बोलते हैं अधिसूचना, कब आपका फॉर्म आएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, तो गजट में आपका अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना, एक ये भी हमें पढ़ना है कि ये क्या होता है, अधिसूचना कैसे लिखी जाती है, क्या प्रारूप होता है। देखो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं जिनकी व्यक्तिगत प्रमुख होती है, भाषा शैली के कठोर नियमों से मुक्त होती है ये, भाषा कोई कठोर नियम नहीं होते इसके, कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट तो होता है, ऐसा नहीं है, पहले भी आप ड्राफ्ट देखते थे ना, लिखते थे ना, है ना, प्रिय अमित है ना, फिर इसके बाद उसके नीचे आपने फिर अगली लाइन चालू की, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, है ना, मुझे आपका पत्र मिला था, फिर इसके बाद आगे आपने मुख्य भूमि लिखी और फिर नीचे जो है, तो एक इसमें भी प्रारूप है, ऐसा नहीं कि प्रारूप नहीं है, लेकिन भाषा शैली के कठोर नियम नहीं है, यहाँ पे एक प्रारूप है, एक ड्राफ्ट है, उस प्रारूप पे ही आपको सबको लिखना है, आप कार्यालय आदेश लिखेंगे तो एक प्रारूप है उसका, कहाँ पे आपको विभाग का नाम लिखना है, कहाँ पे पृष्ठांक लिखना है, कहाँ पे आपको प्रेषक का नाम लिखना है, कहाँ पे आपको विषय लिखना है, वो सब चीज़ें एक प्रारूप है, कहाँ पे आपका मुख्य विषय होगा, तो वो सब क्रम से आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ पे आपको संलग्नक लिखना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक, तो सरकार कार्यालयी आदेश, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, एक और अब तो ज़्यादा प्रचलित नहीं है लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं सिलेबस में, तार, ये क्या होता है, ठीक, तो तार भी हम पढ़ेंगे, ये आपके औपचारिक पत्र हैं जो कि हमें पढ़ना है, इतना आपके सिलेबस में दिए गए हैं। सरकारी पत्र में और भी विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, 16 पत्रों की लिस्ट है मेरे पास, आदेश निकलते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, ये भी सरकारी पत्र के अंतर्गत, सरकारी आदेश है ना, आदेश हमें, हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना। प्रेस विज्ञप्तियाँ बहुत सारी सरकार निकालती है, प्रेस विज्ञप्तियाँ भी निकालनी जाती हैं, आप देखते होंगे कोई भी फॉर्म आएगा तो उसकी भी प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, वो कैसे लिखा जाता है वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अंतर विभागीय टिप्पणी, टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, अंतर विभागीय होती हैं, ये भी एक, इसका भी अपना प्रारूप है। टेलेक्स संदेश, सेविग्राम, पृष्ठांकन, संकल्प, प्रेस नोट, तुरंत पत्र, ऐसे करके बहुत सारे एक प्रकार दिए गए हैं, मैं आपको
ये इग्नू की बुकलेट है, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। और देखो इसके लिए कोई बुक वगैरह मैं नॉर्मली आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पूरा मेहनत खुद करने वाला हूं, तो बुक की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, जब हम लोग वैकेबलरी में काम करेंगे, अभी आएंगे, अगला सेक्शन उसी का है। तो देखो निबंध तो मुझे नहीं पढ़ाना है, सेपरेट क्लास है आपकी हिंदी की, गद्यांश सी सेट के अंतर्गत हो जाएगा, हल्की फुल्की चर्चा हो जाएगी, कुछ चीज़ें मैं आपको रूल्स रेगुलेशन बता दूंगा एक लास्ट क्लास में। संक्षेपण मुझे डिटेल से कराना है, पत्र लेखन डिटेल से कराना है, ठीक है। इसके बाद मुझे आ जाना है सामान्य हिंदी के व्याकरण वाले हिस्से में, ग्रामर वाला हिस्सा, ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज है शब्द रचना। इस विषय वस्तु को मुझे आपको पढ़ाना है, शब्द रचना, ठीक है, शब्दों को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमें पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पर दो विषय वस्तु हैं, उपसर्ग, ये आपके सिलेबस में भी है, प्रत्यय, अच्छे से पढ़ेंगे इसको डिटेल से। इसके बाद आपके बहुत सारी वैकेबलरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द। अब मुझसे आप यदि उम्मीद करें कि पर्यायवाची शब्द मैं सारी पढ़ाऊँ तो दो महीने में यही पढ़ाता रहूँगा, पर्यायवाची ही नहीं ख़त्म होगी आपकी। तो मुझे सिर्फ आपको इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल बता देने हैं, मिलवा देना है इनसे और आपको बता देना है कि आपको यहाँ से इसे पढ़ना है, या मैं खुद के नोट्स भी दूंगा, मेरे पास पर्यायवाची का डिटेल नोट्स है, तो वो मैं आपको दे दूंगा, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं लगातार। लोग इसे हल्के में लेते हैं, सबसे ज़्यादा गलत यही करके आते हैं, सॉलिड नंबर होते हैं यदि सही कर पाएंगे, लेकिन गलत बहुत होते हैं ये। शब्द विलोम, ये भी आप हल्के में लेंगे लेकिन ये भी वहाँ पे नहीं समझ में आते, जब आप एग्ज़ाम हॉल पे जाओगे 10 पूछे जाएंगे, 10 में 10 करने होंगे या 5 पूछे जाएंगे, तो 5 में 2-3 आपके गलत पक्का हो जाएंगे, या तो जुगाड़ करते हैं अगल बगल से कि यार चलो, है ना, वो सब चीज़ें नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों पे काम करके जाइएगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना पड़े, पूरा एक पेपर ही है प्रॉपर, तो इस पे PUP PCS या अन्य जितने भी स्टेट PCS है सब में एक प्रॉपर पेपर है ये, ठीक, तो इसलिए वहाँ पे इसका सबको आपका मूल्य पता चलेगा। मुहावरा और लोकोक्तियाँ, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, इसमें मज़ा आएगा, मुहावरा और लोकोक्तियाँ, इसमें आपको शब्द प्रयोग करने होते हैं, है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। अनेकार्थी शब्द अलग होता है, अनेकार्थी अलग है, अनेकार्थी शब्द भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी आता है आपका। इसके बाद कुछ विषय वस्तु आपकी संधि और समास, संधि, संधि विग्रह, अलंकार, रस छंद अलंकार, वो ऐसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, रस छंद अलंकार भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो संधि, समास, दूसरी विषय वस्तु ये है, संधि, संधि विग्रह, समास, ये पढ़ लेंगे। और बताइए और क्या क्या है सिलेबस में आप लोगों ने देखा है। पहले तो ये एक UPSC का पेपर है, मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस पर देखते हैं। और इसमें देखिए सबसे पहले आपका UPSC में जो क्वालिफाइंग देंगे आप, 300 नंबर का आता है ये पेपर, तो सबसे पहले निबंध लिखने को आता है, ठीक है। इस बार आया था लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका, तो पॉलिटिका है, न्यायपालिका का मैंने पूरा लिखवाया भी था, आप लोगों ने मेरी क्लास की होगी, तो शुरुआत ही इसी से हुई थी कि न्यायपालिका की ज़रूरत क्या है, है ना, पूरा एक इंट्रोडक्शन टाइप में था, तो आप उतना उससे ही पॉइंट निकाल लें, पॉइंट निकाल के लिख सकते हैं लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका, ठीक। दूसरा है पर्यावरण और आत्मनिर्भरता, ठीक है। तीसरा था भूमंडलीकरण में भाषा की भूमिका, अब ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से लैंग्वेज का क्या इसमें प्रेफरेंसेस है, एक आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ग्लोबल लैंग्वेज बन रही है, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, त्रिभाषा, ये पूरा जुड़ा आपका करंट के टॉपिक से, त्रिभाषा फार्मूला या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो क्यों लाया गया, उसी से सब जोड़ के पूछा गया, यदि आप इतना मैच कर पाएंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे इस विषय को। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियाँ, तो आसान आसान टॉपिक है, लिख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियाँ, जब मैंने इकोनॉमी यहाँ पढ़ाई थी तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल से उसमें भी पूरा एक लंबा खाका लिखवाया था, अभी आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इंडियन इकोनॉमी शुरुआती चैप्टर यही होते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या चुनौतियाँ, या फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा,
कि किन किन कंडीशन से हमारी इकोनॉमी, क्योंकि अब तो बहुत सारे परिवर्तन भी हो रहा है। दूसरा आया है, पहला तो आपका 100 नंबर का है, यहीं पे आप अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। क्वालिफाइंग नेचर ये कौन सा, इसमें टॉप करना है। दूसरा आपका गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके प्रश्नों का उत्तर देना है, तो ये भी आसानी से दे देंगे। इसके बाद आपका एक गद्यांश दिया है जिसको एक तिहाई शब्दों में लिखना है, यानी कि संक्षेपण। ये निबंध हो गया, गद्यांश हो गया, संक्षेपण हो गया, ये क्वालिफाइंग पेपर की बात है। इसके बाद एक इसमें दो चीज़ें और आती हैं। आप सोचें कि आप हिंदी के हैं और हिंदी का पेपर देते समय आप इंग्लिश से बच जाएंगे तो यूपीएससी यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन देता है। वो पहला देता है अंग्रेजी, किसी एक गद्यांश देगा हिंदी में, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ेगा आपको पूरा, 20 नंबर का ये होता है। और दूसरा होता है आपका पूरा इंग्लिश में दिया होगा पैराग्राफ और उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना, तो ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, ट्रांसलेट कर पाएँ आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। आसान होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना आसान भी नहीं। तो इंग्लिश का जो शिक्षक आपके आएंगे वो उनका काम रहेगा ये सब कुछ करवाना। इसके बाद मुहावरे, और मुहावरे के जितना भी मुहावरा और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, मुहावरे पूछे गए इसमें। उड़ती चिड़िया पहचानना, नाको चने चबावाना, ये सब मैं पढ़वाऊँगा, छाती में मूंग दलना, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद वाक्यों को शुद्ध रूप, हाँ एक और टॉपिक है आपका वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्यों का शुद्ध रूप, इसके भी कुछ रूल्स हैं तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक। एक आपका ये है वाक्यों का शुद्ध रूप, ठीक है। तो वाक्यों का शुद्ध रूप जैसे, ठीक है, इसमें कई सारे सेंटेंसेस होंगे जो कि कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, उन्हें आपको सही करना है, एरर सही करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें आया है दो पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इसके बाद अगला आया है पर्यायवाची, हमने लिख दिया। अगला है आपका युग्म दिए गए हैं, वही अनेकार्थी शब्द हैं, जैसे कि दो आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, तो अनेकार्थी शब्द भी इसमें पूछता है। इतना ही आता है क्वालिफाइंग नेचर में और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि आप हिंदी में इतने भी गड़बड़ नहीं है तो क्वालिफाई करना बहुत बड़ा इसमें सीन नहीं है, ये तो ईजी है। समस्या है UPPCS का पेपर, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कई चीज़ें समय समय पर पूछी जाती हैं। एक आपका विशेष्य और विशेषण, इसे भी मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, विशेष्य या विशेषण और विशेष्य, विशेषण एवं विशेष्य, ये टॉपिक भी हम यहाँ पर देख लेंगे। कई बार आप कुछ अन्य एग्जाम भी देते हैं तो भी ये काम आएगा, वहाँ पर सिलेबस में रहता है, UPPCS में नहीं है ये, ठीक है। तो लगभग इतने ही टॉपिक हैं आपके, इतने ही टॉपिक हैं जिन टॉपिकों में हमें काम करना है। अब इन पे तो बहुत लंबा जाएगा तो खुद से करने पड़ेंगे, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे करके कुछ की चर्चा पर चर्चा करा के फिर दे दूंगा आपके हाथ में, ठीक है। आपका काम रहेगा उसको पढ़ के याद करना अपना, या तो एक कॉपी में मैं आपको सब PDF शेयर करता जाऊँगा, आपका काम रहेगा उनको नोट डाउन करना घर से डेली बेसिस में, ठीक है। इस लेवल पर हम काम करेंगे। अब मुद्दा है कि हमें अपनी क्लास कैसे शुरू करनी चाहिए, ये आपका इतना ही सिलेबस है, इतने ही सिलेबस में हमें महारत हासिल करनी है। निबंध से तो मैं बच गया क्योंकि ये सेपरेट क्लास है, गद्यांश से भी है क्योंकि सी साइड की विषय वस्तु में चला जाएगा। मुद्दा है आपका पत्र लेखन और संक्षेपण, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग लेटर राइटिंग से, पत्र लेखन से। संक्षेपण भी बहुत बड़ी विषय वस्तु नहीं है, मैं ये करवा दूंगा आपको, ठीक है। पत्र लेखन के बाद अगला काम संक्षेपण का होगा, हम लोग प्रेसी राइटिंग देखेंगे। शुरुआत हम करते हैं पत्र लेखन से, ये विषय वस्तु हमारी, यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को, और इसके बाद फिर हम संक्षेपण करेंगे और फिर ग्रामेटिकल सेक्शन में इंटर कर जाएंगे। तो हमारे पास समय है भी और हमारे पास समय नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं, सहयोग करेंगे दोनों लोग। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती आप मुझसे पूछेंगे, मैं सारे हृदय आपको बताऊँगा, और जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, नहीं समझ में आ रहा, तो कोशिश करेंगे आप दोबारा भी पूछना चाहेंगे, पढ़ाएंगे इत्मीनान से पूरे टाइम पीरियड में। हमारी हिंदी को लेकर के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, एक सॉलिड पेपर आपका हिंदी बनना चाहिए, ठीक है। इस उद्देश्य से पूरा सेशन हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक। शुरू करें विषय वस्तु को, प्रारंभ करें, ठीक है। अभी आपको लगता हो कि इसमें कुछ और ऐड करना है, कुछ और करना चाहिए, तो पूछ बता सकते हो, ठीक है। मिसलिनियस में जो भी होगा बाद में देख लेंगे, वैसे मेरे ख्याल से जहाँ तक चीज़ें पूछी जाती हैं उतना हमने लिख लिया है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे लोअर PCS का एग्ज़ाम UP SSC लेता है,
तो हिंदी में थोड़ा सा उसका पैटर्न कुछ चीज़ें और बढ़ा के रखता है इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाली विषय वस्तु भी पढ़ाइए, काव्य की चीज़ें, ये तो ग्रामर है। अब काव्य में और चीज़ें बढ़ जाती है, जब हम काव्य में आते हैं हिंदी में तो उसमें रस, छंद, अलंकार। अब भाई आप लेखपाल का एग्जाम अभी फॉर्म आने वाला है तो लेखपाल के चक्कर में हो तो ये आएगा, उसमें पूछा जाएगा रस छंद अलंकार पूछता है, हाँ उसमें था वीडियो का एग्जाम में रस छंद अलंकार पूछता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, ये भी देख लेंगे हम लोग, रस भी देख लेंगे, छंद भी, अलंकार, यदि लास्ट में टाइम बचता है तो ठीक है, तो इस विषय को भी देख लेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, आप लोग सब पढ़ रखे होंगे मेरे ख्याल से लगभग लगभग, ठीक है। छंद में भी हमें 3 से 4 छंद ही पढ़ने हैं, ज़्यादा छंद नहीं पढ़ने, लेकिन और जटिल कर देता है कभी कभी। एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है आपका, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, ये जो अदर एग्जाम छोटे छोटे होते हैं इसमें हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन आते हैं, हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह, पंक्चुएशन से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, विराम चिन्ह, ये विषय वस्तु भी पूछी जाती है आपकी, ठीक है। लोअर पीसीएस और समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, समीक्षा अधिकारी का भी 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का फिर से आ गया नोटिफिकेशन, तो समीक्षा अधिकारी आपका एक AB UPPCS के द्वारा ही लिया जाता है, लोअर पीसीएस तो ट्रांसफ़र कर दिया गया, अदर स्टेट में लोअर पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, तो आपका हिंदी की विषय वस्तु से पूरा प्रॉपर जो पेपर आता है, एक पेपर पूरा हिंदी का ही होता है, जितने भी नीचे के पेपर आपके एग्ज़ाम पे जाएंगे ना, एक पेपर ही प्रॉपर हिंदी का होगा, ठीक है, और दूसरा GS का होगा, GS का एक पेपर, हिंदी का एक पेपर, तो कहीं कहीं पे बराबर की भूमिका है। तो पहले हम फोकस करेंगे UPSC और स्टेट PCS, बाद में हम लोग टाइम बचेगा तो हम अदर एग्ज़ाम को भी टारगेट करके हिंदी की विषय वस्तु को पढ़ लेंगे, ठीक, दोनों उद्देश्यों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू प्रारंभ करते हैं पत्र लेखन से, शुरुआत करते हैं पत्र लेखन से। मेरे से कोई कहेगा किताब क्या पढ़नी चाहिए, तो किताब कोई मेरे जानकारी में है नहीं, एक बुक है जो आपकी आती है UPPCS यहीं से इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, ये आपकी है आदित्य प्रकाशन की, यदि आप ये ले लेंगे एक तो मेरा काम थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी जितनी भी है, एक तो पिछले साल के क्वेश्चन को इन्होंने दे दिया है बहुत सारे अपडेट करके, ठीक है, तो आपका इससे काम हो जाएगा, या फिर आप लूसेंट की आती है एक समान हिंदी तो लूसेंट की समान हिंदी ले लें, बाकी इसके अलावा ज़रूरत है नहीं बहुत ज़्यादा। मैं आपको कुछ नोट्स PDF जो है वो शेयर कर दूंगा, तो आपको ग्रामेटिकल जितना है उससे ज़्यादा मिल जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं है, उसमें समग्रता से मिल जाएगा, ठीक है, तो उसका हम काम कर लेंगे। तो बुक के नाम पे एक यही बुक मुझे दिखती है जो UPPCS के लिए प्रॉपर्ली निकाली जाती है, UPSC के लिए भी कुछ ज़्यादा परेशान होगी, सब इसी में कवर है, पूरा का पूरा जितना भी टॉपिक है सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, यदि आप ये लेना चाहें तो ले लीजिएगा। पत्र लेखन में कई जगहों से खुद मेहनत करके करवाऊंगा, जैसे कि एक पत्र लेखन की आदित्य की भी आती थी लेकिन अभी नहीं आ रही है वो बुक, और उसमें बहुत सारा चीज़ें डिटेल से नहीं है, तो अभी इग्नू की एक बुक आती है, यदि आपको ये मिल जाए, इग्नू की ये हिंदी की है, कोड है इसका BHDF करके 101 है, और इसमें इन्होंने दे रखा है, इसमें चौथी बुकलेट है ये इग्नू की, तो इसमें आपका इन्होंने काफ़ी कुछ दे रखा है, पत्राचार को डिटेल से कर रखा है, तो यदि आप करना चाहें तो आपको मैं एक ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि इग्नू की ये बुक ले लीजिएगा। एक और आती है NIUS की, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये एक अपने आप में इनफ है, इसके अलावा मैं करवा रहा हूँ तो आपको कुछ लेने की वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन खुद से भी पढ़ना चाहिए तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, पहला हम लोग शुरुआत करते हैं पत्राचार पे, एक बार आते हैं और पत्राचार ही हम शुरू करेंगे, उसी पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, पत्र लेखन।